क्या आपको ये पता है कि सर आइजैक न्यूटन का जो दांत है वो आज भी एक जगह से रखा हुआ है और इसकी कीमत $36,000 है, यानी कि करीब 20 लाख रुपए। और उनके दांत को ऐसे ही नहीं रखा गया है बल्कि उसे एक रिंग यानी कि अंगूठी के अंदर डाल के रखा गया है और उसे मोती के बराबर माना जाता है। वही सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट, सर्वे में यह पाया गया है कि जनरली गर्ल्स को डीप वॉइस जो होता है न वो पसंद होता है, जिसका मोटा होता है उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। दिस इज ए रियल फैक्ट। नेक्स्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जैकमा, इनको तो आप जानते ही होंगे। जैकमा ने ये कहा था कि अगर आप किसी बंदर के सामने केला और पैसा को रखोगे ना तो बंदर ऑब्वियसली केला को ही चुनेगा, क्योंकि बंदर को ये नहीं पता होता कि पैसे से बहुत ही सारे केले खरीदे जा सकते हैं। तो उसी तरह अगर आप किसी इंसान के सामने हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और पैसा को रखोगे ना तो वो झट से पैसे को लेगा, क्योंकि उस इंसान को ये नहीं पता कि अच्छी हेल्थ होगी तो वो इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा पैसा भी देगा, बिकॉज हेल्थ कैन ब्रिंग मोर मनी एंड हैप्पीनेस। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट, एक दिन के 24 घंटे में आप 8 घंटे सोते हो तो इसका मतलब आप 16 घंटे जगे रहते हो। बट अगर मैं बोलूं कि आप 16 घंटे में से 2 घंटे और सोते हो तो आप ये सोच रहे होंगे आखिर कैसे। एक इंसान एक दिन में 28,800 बार ब्लिंक करता है, तो इसका मतलब आप हर मिनट 15 से 20 बार ब्लिंक करते हो। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 2 आवर्स पर डे। तो अगर पूरे दिन के इस ब्लाइंक पीरियड को ऐड करें तो वो 2 घंटे आएगा। नेक्स्ट, एक इंसान एक दिन में एवरेजली 4 बार झूठ बोलता है, मतलब साल में 1,460 बार। और जब तक एक इंसान 60 साल का बूढ़ा हो जाता है तब तक वो अपने पूरे जिंदगी में करीब 90,000 बार झूठ बोलता है। नेक्स्ट, एक इंसान ने बहुत ही इंटेलिजेंट सा काम किया, एक बैंक में जाकर उसने जानबूझकर रॉबरी करने का कोशिश किया, और रॉबरी भी उसने सिर्फ $1 का ही किया। ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पास अपने मेडिकल चेकअप के लिए पैसे नहीं थे, और मेडिकल चेकअप में 1 से 2 हजार लगते हैं, और US में अगर कोई जेल में जाता है तो तुरंत उसका मेडिकल चेकअप होता है ये देखने के लिए कि उससे कोई बीमारी है या फिर नहीं। तो इसने अपने मेडिकल चेकअप के पैसे बचाने के लिए बैंक में रॉबरी किया ताकि उसका मेडिकल चेकअप फ्री में हो जाए। नेक्स्ट, मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी स्टार हैं उससे भी ज्यादा हमारे अर्थ में ट्रीज मौजूद हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कई टाइप के मेटल्स हैं, जैसे कि आयंस, जिंक, कोबाल्ट, निकल और यहाँ तक कि गोल्ड भी, जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे बॉडी में 0.2 मिलीग्राम गोल्ड होता है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, और अगर हमें 10 ग्राम गोल्ड चाहिए तो इसके लिए हमें 5,000 लोगों का नीड पड़ेगी, तब जाकर हमें 10 ग्राम गोल्ड मिलेगा। नेक्स्ट, क्या आपको ये पता है कि KFC का जो ओनर थे वो 65 ईयर्स तक बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उनके पास जेब में $10 भी नहीं होते थे। फिर उन्होंने $87 उधारी लिए, फिर उन्होंने चिकन बेचना शुरू किया। इनको 1,009 बार नाकामी मिली और उसके बाद इन्होंने अपनी पहली शॉप खोली, और उसके कुछ सालों के बाद 88 ईयर्स पे ये बिलियनर बन गए, और ये KFC आज भी पूरी दुनिया में चलती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। नेक्स्ट, आपने ऐसे कई चीजों को टच किया होगा जो काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा, जैसे कि फर, बेट और वेलवेट। पर दुनिया का सबसे मुलायम सब्सटेंस क्या है? वो है टॉल्क, जो कि मिनरल है, और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे टच करोगे। नेक्स्ट, आप जब भी भगवान बुद्ध की मूर्ति देखते होगे तब आपको लगता होगा कि ये जो उनके सर पे घुंघरेला आकार है ये उनके बाल है, पर ये गलत है। वे एक मॉन्क थे और मॉन्क के बाल नहीं होते। तो अब ये सवाल आता है, तो ये क्या है? दरअसल ये स्नेल्स हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध की धूप से जान बचाई थी जब वो अपने ध्यान में बैठे थे। ईमेल जो आज हम लोग एक दूसरे को सेंड करते हैं, तो क्या आपको पता है कि ईमेल का इन्वेंशन किसने किया था? आप ये सोच रहे होंगे कि किसी अमेरिकन ने इसे इन्वेंट किया होगा, बट ऐसा नहीं है। ईमेल का इन्वेंशन इंडिया के 14 साल के लड़के शिव ने 1978 में किया था, उनका ऐसा कहना है, और इनका सारा क्रेडिट अमेरिकन ले रहे हैं। नेक्स्ट, इस धरती में सारे लिविंग बींग के लिए ऑक्सीजन का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये ऑक्सीजन बनता है ट्री से। बट इस दुनिया में एक ऐसा देश
देश भी है जहाँ एक भी फॉरेस्ट नहीं है। कतर ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ ट्रीज या फॉरेस्ट ये सब का नामो निशान भी नहीं है। नेक्स्ट, केंडल जेनर जो है वो पूरे दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड मॉडल है, और सुशांत सिंह राजपूत जो थे ये बस एकलौते ऐसे इंडियन एक्टर थे जिन्होंने केंडल जेनर के साथ फोटोशूट किया था। नेक्स्ट, यदि सोते समय आपके रूम में थोड़ी सी भी लाइट है तो उससे स्लीप हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में सोने से मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और आपका वेट घटाने में भी मदद मिलता है, तो इसीलिए हमेशा अंधेरे रूम में ही सोना चाहिए। नेक्स्ट, रसिया की लेडीज नताशा डेमोकिना को दुनिया का जीता जागता एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी आंखें जो है वो एक्सरे मशीन की तरह काम करती है, जो कि किसी भी इंसान के अंदर के बॉडी पार्ट को देखकर उसकी बीमारी के बारे में पता लगा लेती है। इनके आंखों में शक्ति 10 ईयर के एज से ही है। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो फैक्ट ये है कि जब भी किसी वेमेन को बोला जाता है कि इस बात को सीक्रेट रखना है, तो वीमेन ये सीक्रेट बात को सीक्रेट रख ही नहीं पाती। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि वीमेन 47 hours and 50 minutes से ज्यादा किसी भी बात को सीक्रेट रख ही नहीं सकती है। नेक्स्ट, जब भी अगर हम कॉफी बनाते हैं तो हमें बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, बट क्या आपको ये पता है कि अगर हम 8 years 7 months and 6 days तक लगातार चिल्लाएंगे तब जाकर इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा कि एक कॉफी को बना सके इस हीट से। नेक्स्ट, मोनालिसा के फेमस पेंटर जो थे ना, लियोनार्डो दा विंची, वो अपने एक हाथ से ड्राइंग और दूसरे हाथ से लिखना ये दोनों काम वो एक ही साथ कर सकते थे। नेक्स्ट, कॉर्न जो है वो तो आपको पता ही होगा कि वो खाने के लिए यूज होता है, बट क्या आपको ये पता है कि जो कॉर्न जो होता है वो बहुत ही सारे नॉन फूड आइटम में यूज होता है, जैसे कि पटाखे, ग्लू, पेंटिंग, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, साबुन, एंटीबायोटिक, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक। जी हाँ, मकई इन सब चीजों में भी काम आता है, रियली। नेक्स्ट, डेविड एवनर, ये एक एक्सटेंसिव बॉडी मॉडिफिकेशन के शौकीन इंसान थे और इन्होंने अपने फेस पे 14 बार सर्जरी किया था और एक रियलिस्टिक एनिमल का लुक पाया था। इन्हें स्टॉकिंग कैट से भी जाना गया। इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन टू लुक लाइक ए एनिमल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, पर 5 नवंबर 2012 को इन्हें अपने गैरेज में मरा हुआ पाया गया। नेक्स्ट, जापान जो एक कंट्री है तो वहाँ पे एक लॉ है जिसके तहत बच्चों को 10 ईयर की एज तक किसी भी टाइप का परीक्षा देना नहीं पड़ता। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही मजेदार सा फैक्ट है। यदि आप काउंटिंग को इंग्लिश में लिखना शुरू करोगे ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 ये सब, तो 1 billion यानी कि 1 अरब तक पहुंचने से पहले कहीं भी लेटर बी नहीं आएगा। जी हाँ, लेटर बी कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, आपने बारिश को तो जरूर देखा ही होगा, मगर क्या आपने कभी बारिश के बूंद का मैक्रो डॉट यानी कि उस बूंद को बड़ा करके उसकी HD इमेज को देखा है? ये देखिए, ये एक पानी का बूंद है जो कि एक लीफ पर प्रेजेंट है, उसका मैक्रो डॉट इमेज जो कि नेचर की चार्मिंग ब्यूटी को दिखाने के लिए काफी है। नेक्स्ट, आपने आज तक न जाने कितने ही अलग अलग तरह के एंट्स को देखे होंगे, मगर आपने कभी इस तरह के राउंडेड हेड एंट को नहीं देखा होगा, और जब आप इस राउंडेड हेड का यूज जानोगे ना तो आप भी शॉक हो जाओगे। दरअसल इस तरह के एंट को सोल्जर टर्टल एंट कहा जाता है, और ये अपने राउंडेड हेड को अपने नेस्ट के एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं, ताकि सिर्फ वही एंट एंटर हो सके जो कि उसके कम्युनिटी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, दोस्तों आपने तो ये सोचा ही होगा कि एप्पल का लोगो जो होता है ना, वो आधा कटा हुआ ही क्यों होता है? तो इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, जब रॉक जेनिक ने स्टीव जॉब को एप्पल कंपनी के लिए ये लोगो बना के दिया, तब ये उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि एप्पल ही एक ऐसा फ्रूट है जिसको थोड़ा काटने के बाद भी वो अपना पहचान बनाए रखता है। और दूसरा रीजन, जिन्हें कंप्यूटर का फादर माना जाता है, एलन टरिंग, पर जब वो मरे थे तब उनके टेबल पे एक आधा कटा हुआ सेब रखा हुआ था जिसमें पॉइजन मिला हुआ था। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी का लोगो ये रखा था। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।